हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्लोमा कोर्स क्या होता है। जी हाँ, डिप्लोमा के बारे में आपने सुना तो होगा ही, लेकिन कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि डिप्लोमा होता क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट जो किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बताते हैं कि उसने इस विषय से संबंधित अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वही सर्टिफिकेट डिप्लोमा कहलाता है। कोई भी विद्यार्थी डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करना या कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा करना। तो अगर आप भी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है डिप्लोमा होता क्या है। दरअसल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि किसी शैक्षणिक संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट के द्वारा वहां पर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिया जाता है। अगर आप किसी विषय से संबंधित डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक से या आईटीआई से अपना डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टाइम पीरियड में दिया जाता है। जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करते हैं तो आपको 3 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप आईटीआई से डिप्लोमा करते हैं तो आपको 1 साल या 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा। ये निर्भर करता है आपने किस ब्रांच से किया है और कितने साल की पढ़ाई आपको करनी होगी। सो, अब आप समझ गए होंगे कि डिप्लोमा क्या होता है। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको फिर बता दूँ, डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है दोस्तों, जो आपको आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर दिया जाता है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं डिप्लोमा की कोर्स लिस्ट की। तो अलग अलग एजुकेशनल संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा के लिए अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपके नज़दीक में कोई भी पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई है तो वहाँ पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आईटीआई होता क्या है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके आईटीआई के बारे में जान सकते हैं या फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारे चैनल आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। डिप्लोमा के कोर्सेज के लिस्ट की हम बात करें तो आप कर सकते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में, एडवांस टूल एंड डाई मेकिंग में, साथ ही एडवांस वेल्डिंग में, एग्रीकल्चर, बेकर, बुक बाइंडर, सीएसकेएम, और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर, कटिंग एंड शेविंग, डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रिकल फिटर, साथ ही फाउंड्री मैन, हेयर एंड स्किन केयर मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, साथ ही आप जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जानना चाहते हैं उसी फील्ड में आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिस्ट हमने हमारे वेबसाइट पर डाल रखी है, उसमें हमने हमारे आर्टिकल में बता रखा है डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो वहाँ पर जाकर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में प्राप्त हो जाएगी। इन सभी की लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। हमारे वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आगे सवाल आता है कि 8वीं यानी कि 8th क्लास पास हो जाए, कोई 8वीं ही पढ़ा लिखा हो तो उसके पास में क्या डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि 8वीं के बाद भी आईटीआई का डिप्लोमा कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 8वीं पास की है तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शंस जैसे कि वायरमैन, पैटर्न मेकर, मशीनिस्ट, एग्रीकल्चर, वेडर, फॉर एंड हेड ट्रीटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मशीन ट्रैक्टर, साथ ही प्लास्टिक एंड प्रिंटिंग ऑपरेटर, कटिंग एंड शेविंग, बुक बाइंडर और वेविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक, इन सभी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 8वीं तक अगर किसी ने पढ़ाई की हो तो। तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। चलिए आगे बात करते हैं 10वीं पास के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि वो किस में अपना करियर बना सकते हैं एक डिप्लोमा कोर्स करके। तो दरअसल दोस्तों, 10th क्लास
तक पढ़े हुए के लिए भी ये सब अवेलेबल है, जैसे कॉमर्शियल आर्ट, डीजल मशीन, साथ ही ड्रग्स मैन, ड्रग्स मैक मैकेनिकल और सिविल दोनों में, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रिकशन, साथ ही फीटर, फाउंडर मैन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मशीनिस्ट, लेटर प्रेस मशीन मैंडर, मैन इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही पम्प ऑपरेटर, शीट मेटल वर्कर और सर्वाइवर और ट्रेनर, इन सभी में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। बात आती है 12th के बाद आप कैसे डिप्लोमा कर सकते हैं, कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है और आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। एक, आप अगर आपने 12वीं कक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ लिया था तो आप पॉलिटेक्निक से सीधे दूसरे साल में दाखिला पा सकते हैं, और अगर 2 साल में भी आप अपना डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि आप ITI में एडमिशन लें और 10वीं कक्षा के लिए जो ट्रेड है, जो लिस्ट मैंने आपको अभी बताई, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं पास करने के बाद आप ये आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं डिप्लोमा के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या नौकरी का ऑप्शन है। दरअसल दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ही यही होता है कि हम नौकरी कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो आपको आगे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अब BTech कर सकते हैं, उसके बाद MTech कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ITI से डिप्लोमा किया है तो आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए पॉलिटेक्निक में जाना होता है और फिर आप BTech और MTech कर पाएंगे। लेकिन ITI करने के बाद आपके सामने नौकरी के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे और आप नौकरी भी कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, सो नाउ अब सवाल आता है, डिप्लोमा के बाद हमको सैलरी कितनी मिलती है। अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। दरअसल दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने पर आपको सैलरी आपके पद के अनुसार मिलती है और आपकी एक्सपीरियंस के अनुसार मिलती है। अगर आपने हाल ही में डिप्लोमा किया है और नौकरी पाना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी आपको 80,000 से 1,00,000 रुपये तक नौकरी दे सकती है ईयरली। ओके, और साथ ही मंथली आपको 8,000 से 10,000 के अंदर भी मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी में सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है। आप चाहें तो डिप्लोमा कहीं से भी कर सकते हैं, ये निर्भर आपके ऊपर करता है। फिर आपको कैसा पद मिलेगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा, ये भी आप पर निर्भर करता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपने डिप्लोमा किस इंस्टीट्यूट से किया है। अगर आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से किया है तो आप आगे की पढ़ाई BTech करके भी जारी कर सकते हैं, उसके बाद आप MTech भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा ITI से किया है और आपको पॉलिटेक्निक करनी पड़ेगी तभी आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हैं। ITI करने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, आप नौकरी लग जाएं, साथ के साथ पढ़ाई करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा के बाद क्या पढ़ाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद नौकरी कहाँ कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आप तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी है जो आपको जानना ज़रूरी था। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ या मुझसे कोई बात कहना छूट गया हो या मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।